24 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के बड़े नेता चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। पूरे देश में तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरा की राजनीति में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ एक ही पार्टी के दो बड़े नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जसकौर मीणा के बारे में। किरोड़ी लाल और जसकौर मीणा के बीच वर्षों से जो लड़ाई चल रही थी वो एक बार फिर से आग पकड़ रही है, और इस बार लड़ाई की शुरुआत फिर से जसकौर मीणा ने की है, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने भी जसकौर मीणा को करारा जवाब दिया है। दरअसल जसकौर मीणा ने खुले मंच से एक बार फिर बिना नाम लिए किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर निशाना साधा है। जसकौर मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तुलना सांपों से कर रही है। हाल ही में जसकौर मीणा ने कहा कि दोसा से सांपों को निकाल कर बाहर भगाना है। जसकौर ने कहा जो कांग्रेस के सांप बने हुए थे उन सांपों को दोसा लोकसभा क्षेत्र से बाहर भगाना है। इधर दोसा में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सांसद जसकौर मीणा की नजर में मैं ही नाम हूँ। किरोड़ी लाल ने आगे कहा कि जसकौर अपने बयानों से खुद निपट गई है। किरोड़ी लाल ने कहा कि उन्होंने कभी भी जसकौर के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है। किरोड़ी ने आगे कहा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए, प्रतिपक्ष पर बयान देते समय भी मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। वहीं जसकौर मीणा ने ये भी कहा था कि जिस घर में सांप रहता हो उस घर के किसी भी सदस्य को नींद नहीं लेनी चाहिए। अब जसकौर मीणा बार बार जो सांप शब्द का प्रयोग कर रही है उसको किरोड़ी लाल मीणा से जोड़ा जा रहा है। अब ये भी माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जसकौर मीणा के बीच की ये लड़ाई दूसरा लोकसभा सीट के टिकट को लेकर हुई है, क्योंकि दूसरा लोकसभा सीट से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे और जसकौर मीणा भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी। लेकिन बीजेपी ने दोनों की लड़ाई को खत्म करने के लिए दूसरा लोकसभा से कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया है, लेकिन फिर भी जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं किरोड़ी लाल और जसकौर मीणा के बीच की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल के बीच की जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई 2019 में शुरू हुई थी। 2019 में किरोड़ी लाल मीणा ने दूसरा लोकसभा से जसकौर मीणा के टिकट का विरोध किया था। 2019 में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दूसरा से गोलमा देवी को बीजेपी का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे से मतभेद होने के कारण 2019 में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात नहीं मानी गई और जसकौर मीणा को बीजेपी का टिकट दे दिया गया था। जब जसकौर को पता लगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनके टिकट का विरोध कर रहे थे तो दोनों के बीच यहीं से लड़ाई शुरू हो गई थी। हालांकि ये बात भी सच है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कभी भी जसकौर मीणा के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जसकौर मीणा कई बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर चुकी है। कुछ दिन पहले भी एक पोस्टर में खुद का फोटो नहीं होने की वजह से जसकौर मीणा मंच पर ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उस पोस्टर में जसकौर मीणा की फोटो न होकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की फोटो थी। उठा पटक करने वालों को महिला ही नजर आती है, महिला ही नजर आती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब अपन सबको जिस घर में सांप रहता है उस घर के किसी भी आदमी को किसी भी परिवारजन को नींद नहीं लेनी चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। ये दौसा संसदीय क्षेत्र है, इसके अंदर के सांपों को निकाल कर जो कांग्रेस के सांप बने हुए थे उन सांपों को निकाल कर समूल नष्ट कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई कन्हैयालाल जी को निश्चिंत करते हुए भारी बहुमत से जिताना है। मैं हूँ उनकी नजर में तो लाग, वो अपने बयानों से निपट गई। किरोड़ी लाल मीणा ने जसकौर मीणा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी जमकर निशाना साधा है। किरोड़ी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा मीणा समाज को गुमराह करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेसी लोग ये बातें कर रहे हैं कि बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को कुछ नहीं दिया है। किरोड़ी ने कहा कि मीणा समाज के लोग भोले होते हैं इसलिए कांग्रेस उनको गुमराह कर रही है। किरोड़ी लाल ने कहा कि मोदी के राज में देश आगे बढ़ा है और विश्व पटल पर देश का नाम हुआ है। पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला है। ऐसे में प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए दूसरा ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी 25 सीटें बीजेपी की झोली में डाली जाएंगी।
लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें जीत सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।